हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर जी टी 5 गेम प्ले। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ मिलिट्री बेस। और गाइस, आप सभी को पता कि मिलिट्री बेस वाले कितने खतरनाक है भाई। वो हर एक महीने भाई कुछ न्यू न्यू चीज़ लॉन्च करते थे अपने लिए गाइस, जैसे कि ट्रक हो गया, कार हो गई, या फिर टैंक हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए गाइस, कुछ भी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ वो लॉन्च करते हैं अपने लिए गाइस। उनके जो साइंटिस्ट हैं गाइस, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बना के देते हैं। और गाइस, वो बहुत एडवांस और पावरफुल भी होते हैं। तो गाइस, अभी भी मेरे को लेस्टर से मालूम हुआ है कि भाई वहाँ पर ना गाइज एक साइबर ट्रक, गाइज आपको पता होगा कि भाई आज से ना 6-7 महीने पहले भाई एक कार लॉन्च हुई थी गाइज, जिसका नाम है साइबर ट्रक। लेकिन गाइज आप उसको कार नहीं बोल सकते, उसको ट्रक ही बोलो आप, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाइज वो मॉन्स्टर ट्रक है। और गाइज जो वो कंपनी थी ना भाई, वो कंपनी ने उसका प्राइस बहुत हाई रखा था। और गाइज फिर भी, मतलब फिर भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन गाइज बुकिंग अभी भी हो रही है, लेकिन गाइज अभी तक ना वो कार किसी भी बंदे को मिली नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन गाइज अभी मिलिट्री बेस वालों से भाई, मुझे लेस्टर से मालूम हुआ है कि भाई मिलिट्री बेस वालों को वो वाली मॉन्स्टर ट्रक गाइज मिल चुकी है, जिसका नाम है साइबर ट्रक। और गाइज वो एक ना टैंक की तरह यूज़ करने वाले मिलिट्री बेस वाले। तो गाइस टैंक है वो गाइस पूरा, क्योंकि गाइस कंपनी ने जैसे बताया था कि वो पूरा बुलेट प्रूफ कार है गाइस, और वो प्रूफ भी किया था कंपनी ने। और बहुत अच्छा ट्रक है भाई, सब साइबर ट्रक के नाम से जाना जाता है गाइस। बहुत ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है उस साइबर ट्रक की। लेकिन गाइस आज हम वो चोरी करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिशन होने वाला गाइस, क्योंकि ना पूरी फौज लगने वाली है हमारे पीछे उस साइबर ट्रक को बचाने के लिए। क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, मिलिट्री बेस वाले ने बहुत ज़्यादा पैसे फेंक के उस ट्रक को भाई लिया है कंपनी से। और गाइस अभी तक सिर्फ एक ही लिया हुआ है लॉस सैंटोस के अंदर। और गाइस मिलिट्री बेस वालों ने भाई इसलिए लिया है गाइस उसको यूज़ में गाइस, क्योंकि ना उसके अंदर गाइस ना 8 बंदे बैठ सकते हैं एक बार में। और गाइस उसको मतलब वो टैंक की तरह यूज़ हो सकता है गाइस, दूसरे जगह से किसी और जगह पर अगर किसी को लेके जाना हो 8-9 बंदे, तो आराम से उसमें फिट होकर आ सकते गाइस। और ना बिल्कुल सेफ्टी के साथ उसके ऊपर भाई, कहीं तुम तोप मार लो, कुछ मार लो गाइस, उसको कुछ नहीं होने वाला गाइस, क्योंकि प्योर बुलेट प्रूफ है। कंपनी ने पूरा प्रूफ दिया था 6-7 महीने पहले जब कार लॉन्च की थी गाइस, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिली, बस मिलिट्री बेस वालों के पास ही है। तो गाइस सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ वो मिलिट्री बेस। तो गाइस मेरे को ना सबसे पहले पहनना पड़ेगा मास्क गाइस, क्योंकि मिलिट्री बेस वाले भाई छोड़ेंगे नहीं इस बार अगर मैं विदाउट मास्क वहाँ पहुँचा दो गाइस। तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मैं चलता हूँ अपने घर में, और भाई मास्क ढूंढो फटाफट, कौन सा मास्क है मेरे पास अभी। तो गाइज़ ये वाला कैसा है? बकवास मास्क है। हाँ ये, हाँ गाइज़ ये वाला ठीक है ना, तो इसको पहन लेते हैं मास्क को फटाफट। गाइज़ हम चलते हैं नीचे। गाइज़ अब मैंने ना एक कार भी चोरी करके रखी है गाइज़, कि ना हम ना जब वो चोरी करने जाएंगे मिलिट्री बेस, तो उस कार का यूज़ करने वाले। तो फटाफट चलते हैं नीचे अपने गैराज में, देखते हैं गाइज़ कौन सी कार मैंने आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और गाइज़ मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कार कैसी लगी जो मैंने चोरी करके रखी है। और गाइज़ जो मतलब चोरी करके रखी है इसलिए गाइज़ कि ना मेरे को ना ये कार अगर वहाँ पर छोड़ के भागनी भी पड़ जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली गाइज़, क्योंकि ये कार हमारी है ही नहीं। और ये कार किसकी है वो मेरे को भी नहीं पता गाइज़। ये देखो, देख रहे हो क्या लुक है, बता दो कार की। तो गाइज़ मैं आपको क्लोज भी दिखा देता हूँ कार को 1 मिनट। तो गाइज़ देख रहे हो, तो गाइज़ मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये वाली कार आपको कैसे लगी। ऐसे ये ना मतलब ना 80% बुलेट प्रूफ है, ठीक है, मगर 100% नहीं है, 80% है। तो मैं फटाफट कार के अंदर बैठ जाता हूँ, और फिर हमें गाइज़ जाना है मिलिट्री बेस भाई, साइबर ट्रक चोरी करनी है गाइज़ सबसे मस्त। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं इसका रेडियो बंद करता हूँ गाइज़। देख रहे हो इसका लुक, देखो एक बार भाई इसके व्हील देख रहे हो गाइस, पूरा ऑफ रोडिंग व्हील है भाई। मतलब कितने भी मतलब पत्थर हो, कुछ भी हो, गड्ढे वड्ढे हो, ये मतलब कार के अंदर जो बंदा बैठा उसको कुछ नहीं हो सकता। और ये 80% बुलेट प्रूफ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया। तो फटाफट गाइस हम इस कार को लेके जाने वाले थे। गाइस मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये वाली कार आपको कैसी लगी। तो गाइस फटाफट पहले मैं मिलिट्री बेस कर देता हूँ मार्क लोकेशन के अंदर कि कहाँ पर है, ठीक है। तो फटाफट मैंने लोकेशन खोल लिया। मिलिट्री बेस तुम्हारे भाई का ना, मतलब तुम्हारे भाई का नहीं, ये इन्हीं का ही है, और आई थिंक यहाँ पर है ना। तो एक गाइज ये वाला रास्ता भी है मिलिट्री बेस का ना, तो यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने मार्क कर दिया गाइज, ये वाला रास्ता मिलिट्री बेस का है। अब फटाफट गाइज मैंने लोकेशन मार्क कर दिया, फटाफट चलते हैं इस कार से। और भाई साहब ये कार की लुक ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है गाइज, है ना, देख रहे हो गाइज पूरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि ना ये वाली कार ना मिलिट्री बेस वालों की है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है ना। देख रहे हो पूरा ग्रीन कलर है गाइज़, बहुत मुश्किल से मैंने ये वाली कार चोरी की है गाइज़, क्योंकि ना 80% बुलेट प्रूफ भी है। तो अगर कोई मेरे ऊपर फायर वायर भी करता है अगर वहाँ पहुँचने से पहले, तो मेरी जान बच सकती है। और मैं गाइज इसकी स्पीड पिकअप भी बहुत अच्छा है, ठीक है गाइज़। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं तो मिलता रहूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो ये वाली वीडियो पूरी देखो। अरे हट जा भाई, अब जान दे मेरे को। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई ये बहुत अच्छा भाई, वो भी मार रही कटवट है ना, पिकअप भी बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब हट जाओ। और गाइज मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये वाली कार मेरे को लेनी चाहिए या नहीं।
और गाइज़ ये वाली कार मेरे को लगता नहीं कि मुझे मिलेगी किसी दुकान पर गाइज़, क्योंकि ना ये मुझे लग रहा है कि किसी ने ना मतलब मॉडिफिकेशन करवाई है, मतलब भाई अपने हिसाब से ये वाली कार भाई उस बंदे ने बनाई है यार। देख रहे हो क्या लुक है कार की, है ना। तो गाइज़ पीछे फ्लेम भी निकल रहे हैं, सब ये सबसे बड़ी बात है। तो गाइज़ अब मैं थोड़ा सा स्पीड करने वाला हूँ तगड़ा, और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट गाइज़, क्योंकि मुझे जाना है मिलिट्री बेस। और गाइज़ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना भाई। आज तुम्हारे भाई ना, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या है। ओ गाइज़ ये क्या था, स्किड भी खा गई भाई। इसके व्हील ना भाई इसी टाइप के हैं भाई, स्किड मारने वाले। ओ भाई साहब रोड पे चलो भाई, ओ भाई साहब कार बहुत मस्त है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक कार ये भी अपने पास रख लेनी चाहिए ना गाइज़। तो मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। अरे भाई साहब आराम से यार। तो गाइज़ फ्लेम बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे इस कार के फ़िलहाल। तो गाइज़ आपको इस कार में मतलब सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। और गाइज़ अभी जो मैं भाई ट्रक चोरी करने वाला हूँ ना, साइबर ट्रक भाई, आपने नाम तो सुना ही होगा और आपने उसकी फ़ोटो भी देखी होगी। लेकिन गाइज़ जो मिलिट्री बेस ने भाई इतना पैसा फूक के भाई उसको अपने लिए मंगवाया है ना, तो कुछ तो खास बात होगी क्यों। ये बात तो मैं मान सकता हूँ भाई, मिलिट्री बेस वाले ना बहुत ज़्यादा तेज़ बंदे हैं भाई। ये लॉस सैंटोस की जो गवर्नमेंट है ना भाई, पूरा साथ देती है मिलिट्री बेस वालों का भाई। जो चाहिए ले लो भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है भाई। तो गाइज़ अभी इन्होंने सिर्फ एक ही मंगवाया गाइज़, क्योंकि भाई अभी वो ना ट्रायल कर रहे हैं, मतलब ना कुछ ट्रेनिंग वेनिंग चल रही है गाइज़, कैसे इसको हैंडल करना है, क्या नहीं सब कुछ। तो गाइज़ वो ना मतलब जैसे पास हो जाएगा ट्रेनिंग वेनिंग, तो ये ना और मंगाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज़ मैंने मास्क वास्क पहन लिया, कार भी मेरी नहीं है, चोरी वोरी हो जाए कुछ कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो फटाफट हम पहुँचने वाले हैं मिलिट्री बेस के लोकेशन पर भाई। बहुत भाई मेरे को तो अभी से फीलिंग आ रही है भाई, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। लेकिन गाइज़ देखते हैं भाई, हमें वो कार चोरी करनी ही है तो है। ओ भाई 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 कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता तुम्हारा भाई 80% बुलेट प्रूफ कार है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे को। तो गाइज़ कार में से बहुत कम हैंडलिंग हो रही है गाइज़, क्योंकि ये मेरे लिए न्यू है। और गाइज़ वो देखो सामने पूरा मिलिट्री बेस मेरे राइट साइड में आप देख रहे होंगे। और गाइज़ ये वाला फ्लाई ओवर पार करते ही एक रोड मिलेगा राइट को मुड़ते हुए, तो गाइज़ उसके अंदर जाते हैं हमें सामने मिलिट्री बेस होगा पूरा। तो फटाफट हम अंदर जा रहे हैं भाई, देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। ओ भाई 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 आराम से भाई आराम से, कुछ ज़्यादा ही तेज़ जा रही वाली कार। और गाइज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और तुम्हारा भाई पहुँच चुका है मिलिट्री बेस। तो गाइज़ यहाँ से मैं आगे वाले रोड से मुड़ना है राइट, ठीक है। ओ भाई 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 ये लोग गाइस फाइनली सामने मिलिट्री बेस है। तो भाई तुम्हारा भाई पता नहीं जिंदा बच के आएगा या नहीं आएगा। तो गाइस देखते हैं, तो गाइस देखो सामने गेट, और गाइस ये 80% बुलेट प्रूफ है गाइस, इसलिए मैं इस कार को लेके आया। तो गाइस एक बार लास्ट टाइम इस कार का ना इंटीरियर व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं गाइस क्या लुक है इसके अंदर का व्यू। भाई देखो कितने सारे कंट्रोलर हैं गाइस इसमें, तो भाई इससे मालूम होता है कि 80% बुलेट प्रूफ कार है। तो गाइस अब मैं आगे वाला गेट तोड़ने वाला हूँ, और गाइस देख रहे हो ऊपर USA का फ्लैग है भाई। तो गाइज़ ये पूरा USA का मिलिट्री बेस है, और गाइज़ यहीं से हम वो चोरी करने वाले हैं भाई साइबर ट्रक, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो गाइज़ तोड़ते हैं फटाफट ये भाई स्टार्ट कर दी कार तुम्हारे भाई ने, और ये तोड़ दिया, ठीक है। ओ लग गई पुलिस, 4 स्टार डायरेक्ट। ओ भाई साहब 4 स्टार डायरेक्ट है, ओए तेरी तो मारेगा मुझे। अरे यार ये बंदा बच गया, 80% तो बुलेट प्रूफ है बेटा, कुछ नहीं होगा। ये लो बच गया तेरी ऐसी वैसी। ओ भाई साहब भाई देख रहे हो, ओ भाई कैसे निकालो भाई 80% बुलेट प्रूफ। लेकिन गाइज मेरे काम नहीं आने वाली, मेरे को ऐसा फीलिंग तो आ रही है। ओ भाई ये तुम्हारे भाई का स्टंट देखो, ओ तेरी गाइज स्टंट देख रहे हो तुम्हारे भाई का। तो गाइज थोड़ा सा मिलिट्री बेस में इनके ऊपर करने वाले हैं, तबाही मचाने वाले हैं मिलिट्री बेस के अंदर। और फिर हम उस कार को भाई साथ साथ ढूंढना भी मुझे उस कार को भाई, वो कार कहाँ पर है। ओ तेरी गाइज ये देखो लुक, ओ भाई साहब मजा आ गया भाई। अरे यार ये रही पार्किंग, पार्किंग में एक बार देखनी चाहिए। लेकिन गाइज़ ये ना भाई बहुत महंगी है ट्रक, तो गाइज़ पार्किंग में तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से भाई। ये भाई गेम की फाड़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे भाई पार्किंग में तो नॉर्मल कार खड़ी है भाई, लेकिन साइबर ट्रक नहीं भाई है यहाँ पे। अरे यार यहाँ तो दिमाग ख़राब हो रहा है भाई मेरा, कि यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। ये गेट तोड़ दूँ, ओ टूट गया टूट गया भाई, 80% बुलेट प्रूफ भाई इतना तो। अरे हट ही नहीं रही, रेलिंग बहुत हैवी भाई, बहुत हैवी रेलिंग है यहाँ पर, चल तेरी ऐसी ऐसी। ओ भाई साहब तो ओ भाई टैंक वैंक सब आ गए गाइज, हो सेट ओ फंसा दिए मेरे को, ओ तुम्हारी ऐसी ऐसी हट जाओ, ओ फंसा दिए उन्होंने ओल ले। तो गाइज 80% है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा भाई अब इसकी हालत हो रही ख़राब। ओ भाई ये तो पकड़ ले भाई पूरा। अरे भाई यहाँ से कैसे निकलूँ, अब मैं फंस चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह फंस चुका लग रहा है। इसकी ऐसी ऐसी हट जा तेरी ऐसी, तू नहीं पकड़ सकता मेरे को, हट जाओ। ओ भाई साहब
कैसे निकलूँगा यहाँ से, ये रहा रास्ता, ये रहा, निकल निकल हट तुम्हारी, ऐसे तीन तीन बंदे मार दिए एक बार में भाई। भाई क्या कार है भाई वाली, मस्त चल तेरी ऐसे, तू तू भी ख़त्म ले, तू आएगा मेरे सामने, ये ले 80% बुलेट प्रूफ है बेटा। ले ये तो गया, ये तो गया बहुत, कहाँ कहाँ बच रहा था बेटा, कहाँ बच रहा था, जिंदा है या हो गया ख़त्म, ठोक दिए इसकी तो ऐसी ऐसी। और क्या बंदे, तो गाइस वेयर हाउस में देखता हूँ, गाइस वेयर हाउस में खड़ी होगी शायद, ये वाला वेयर हाउस ओपन है, नहीं भाई ये भी तो बंद है, आगे वाला वेयर हाउस करते हैं चेक, ये वाला भी बंद है भाई साहब, कौन से वेयर हाउस ओपन है भाई, अरे हट जा तेरी। ओ फाइटर जेट खड़ी है यहाँ पे, ओ हेलीकॉप्टर भी खड़ा है भाई यहाँ पे, तो इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गाइस। इस साइड कुछ है नहीं भाई, इधर कुछ नहीं है यार, इधर भाई वो कहाँ पर है कार यार, मेरे को चाहिए वो वाली भाई, यहाँ तो चारों तरफ भाई सिर्फ मिलिट्री वाले हैं, हट जा तेरी ऐसे। ओ गाइस ये रहा वेयर हाउस, 1 मिनट अंदर देखो जाके, सेट मैन इधर भी नहीं है कुछ यार, इधर पूरा खाली पड़ा भाई, है भी इनके पास भाई, अगर मेरे को लेस्टर ने झूठ बोला होगा ना, छोड़ूंगा नहीं भाई लेस्टर को तगड़ा, क्योंकि भाई मिलिट्री बेस में आना भाई बहुत मुश्किल काम है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई फ्लाइट भाई तुम्हारी ऐसे भी, ये ले जंप तगड़ा। ओ गाइस वो रे सेट सेट, वो आगे 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 कुछ बिल्डिंग्स है, रुक जाओ। ओ भाई साहब कितने बंदे हैं यहाँ पे गाइस, देख रहे हो भाई साहब कितने बंदे हैं, और गाइस वो ही हमारी साइबर ट्रक जो हमें चोरी करनी है भाई साहब, कितनी सिक्योरिटी, अरे गाइस कम से कम मेरे ख्याल से 50 बंदे होंगे भाई इसके सामने। ओ तेरी वो तो 80% बुलेट प्रूफ कार लेकर आए, इसलिए थोड़ा सा मैं भाई बचा हुआ हूँ। ओ तेरी, ओ भाई 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 हट जा भाई, भाई हट जा, मेरे को ना वो वाली कार चाहिए भाई, मेरे को वाली कार चाहिए भाई बुलेट प्रूफ साइबर, भाई देखो कितने बंदे हैं तुम्हारी ऐसे जैसे, ये ले हट तेरी ऐसे ऐसे, तोड़ूंगा इसको, चल तोड़ दिया तो ये। ओ भाई साहब ये कहाँ फंस गया, ओ गाइस ये तो भाई भाई पेट्रोल का टैंकर है, फटेगा फटेगा ये, हट जाते हमारी। ओ गाइस ये रही साइबर ट्रक, लेकिन गाइस ओ फट चुका है, ओ गाइस देख रहे हो भाई इस साइबर ट्रक के लिए कितने सिक्योरिटी वाले बंदे थे भाई, कितने सारे जगह 50 देखो भाई, यहाँ भी 3-4 खड़े हैं, इनको तो भाई मैं इससे उड़ाऊँगा, ले तेरी ऐसी चल बाहर निकल तेरी ऐसी ऐसी तुम्हारी, तो मेरे को मारेगा ऐसे, तो मैं बुलेट प्रूफ पहन के आया जैकेट भी, और ये 80% बुलेट प्रूफ कार है मेरे पास, चल तेरी ऐसे ऐसे, तुम तो कुछ नहीं कर सकते भाई टैंक वैंक। तो गाइज अब मैं यहाँ से भाई निकलने वाला हूँ, लेकिन गाइज ये वाली साइबर ट्रक के अंदर बैठ के निकलने वाला हूँ मैं, और गाइज अगर मैं इस कार के अंदर एक बार बैठ गया ना, फिर तो भाई मेरी जान आराम से बच जाएगी गाइज, फटाफट निकलते हैं कार से बाहर, और जल्दी चलो भाई जल्दी चलो, गेट खोलो गेट खोलो। तो गाइज क्या लुक है यार, लुक देख रहे हो आप, ओ भाई साहब अभी से फायरिंग स्टार्ट भी होगी, इसके ऊपर ही होगी, लेकिन भाई ये प्योर बुलेट प्रूफ है तुम्हारी ऐसे, भागे यहाँ से, ये ले एक बार में 3-3 बंदे मार दिए, और कहाँ बंदे आ जाओ अब आ जाओ तुम्हारी, अब तो मैं बैठ गया प्योर बुलेट प्रूफ में, 100% है, तो 80% बने गाइस देख रहे हो ऊपर का भाई मिरर, साइड मिरर भाई प्योर बुलेट प्रूफ है, कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैं यार पकड़ भी नहीं सकता बेटा, अब तो पकड़ भी नहीं सकता तेरा भाई, यहाँ से गया जंप मारने वाला तगड़ा, ये ले। ओ भाई साहब, ओ भाई ओ भाई ओ भाई हट जाओ तेरी ऐसी जैसी, हट जा ना, पकड़ ले पकड़ ले। तो गाइज अब भाई मेरे को यहाँ से निकलना है यार, और आगे गेट है, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ गाइज, किसी ट्रैक पर जाऊँगा गाइज, ट्रैक ढूंढना पड़ेगा मुझे गाइज यहाँ से बचने के लिए, और ये वाला रोड ही तो है, 1 मिनट मोड़ो मोड़ो मोड़ो, अरे भाई साहब, ओ भाई आगे भी टैंक तुम्हारी ऐसी जैसे भाई, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी टाइट यहाँ पे इन्होंने बंदों ने भाई, आर्मी वाले मतलब भाई USA के भाई मिलिट्री बहुत ही डेंजर। अच्छा इधर से आ गए, इधर से आ गए, ले आ जा पकड़ ले पकड़ ले, निकल चुका भाई तुम्हारा भाई मिलिट्री बेस से निकल चुका गाइज, आगे देखो एक ट्रक आ रही है, ये तुम्हारे ओ ओ शट, ये क्या हुआ, ओ भाई ओ भाई ओ गाइज ये क्या हुआ, ओ तेरी भाई मैं बाहर निकल गया, ये कैसे हुआ, ओ शट भाई जल्दी चलो भाई, मेरी वो ट्रक वहीं पे खड़ी होगी, ओ भाई साहब ये सीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, जल्दी ओ वो रही ट्रक, ओ भाई वो रही ट्रक, जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, वरना अगर एक भी बुलेट लग गई ना मेरे तो मेरी तो, ओ भाई अच्छा हुआ भाई मैं बहुत एंड वक्त पर बैठ गया अंदर, वो तुम्हारी ऐसी ऐसी है, हट जाओ अब सारे। ओ भाई उसके भाई जो व्हील है ना कितने भाई वो हैं भाई, कितने व्हील इसके बहुत मस्त है यार, स्पंज टाइप के भाई, हट जा तेरी ऐसी ऐसी। ओ भाई ऑफ रोडिंग ले लो, ऊपर ले लो गाइज, देखते एक तो भाई इसके व्हील बहुत अच्छे हैं, और मैं आराम से यहाँ से बच सकता हूँ, आ जाओ पकड़ लो पहाड़ पर ले तुम्हारे भाई ने, अब बहुत तुम्हारी ऐसी ऐसी लगा दी मैंने, 4 स्टार की पुलिस लगी हुई है भाई तगड़े से, अब नहीं पकड़ सकते तुम भाई, अब नहीं पकड़ सकते तुम मेरे को। ओ भाई आगे पेड़, अरे यार ये तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ पेड़ है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, यहाँ से ऊपर गाइज आगे रोड है, आगे बंदे मतलब हैं पुलिस वाले हैं, इस वाले रोड पे ले लेते हैं फटाफट। ओ भाई सब तो आगे वाली रोड है वहाँ से ले लेते हैं भाई, अच्छा ऑफ रोडिंग है, कोई नहीं भाई, ये वाली कार बेस्ट है गाइज, लुक देख रहे हो भाई, ये भाई साइबर ट्रक भाई,
और है क्या कार है भाई, प्योर बुलेट बुलेट प्रूफ है गाइस। 8 बंदे आराम से बैठ सकते हैं पीछे इसके, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं इसमें। ओ भाई यही तो कार चाहिए थी, माना वो आगे पुलिस वाले यार इनकी ऐसी तैसी। ओए भाई भाई ये तो गाइस ये बिल्कुल कार ना बिल्कुल नहीं पलटती भाई। ओ गाइस इसके व्हील भाई बहुत ही मस्त है यार, इसके व्हील में मुझे बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगा भाई। अरे हट जा यार कि तो, ओ देखो गाइस मैं उसको कैसे ठोकने वाला हूँ तगड़ा। अंदर भागेगा, अंदर अंदर भागेगा, अंदर तुम्हारी ऐसे तो। ओ भाई मेरे ठोक दिए इसने। ओ भाई सब गाइस देख रहे हो हर जगह। ओ तुम्हारी ऐसी जैसी तुम नहीं पकड़ सकते भाई, तुम नहीं पकड़ सकते भाई अब मेरे को। मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ बहुत तेज़ में। ओ गाइस मैंने लोकेशन मार्क कर दिया रेलवे ट्रैक का। अरे हट जा तेरी ऐसी जैसी, ठोक दूंगा वरना सबको। हट जाओ भाई सारे, हट जाओ अब सारे हट जाओ, मुझे फटाफट यहाँ से निकलने दो यार। लो गाइस फाइनली सामने रेलवे ट्रैक। ओ शिट फिर रुक गया यार यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि प्योर बुलेट प्रूफ है और मेरी जान बच रही है यहाँ पे भाई। हेलीकॉप्टर भाई कितने कितने हेलीकॉप्टर आ गए गाइस इधर ट्रैक। ओ भाई साहब भाई ट्रैक ट्रैक निकलने वालों में यहाँ से फटाफट में, और आगे मुझे मिल जाएगी बेसमेंट रेलवे की, मिल जाएगी टनल, मिल जाएगी गाइस, और फटाफट में यहाँ से बचने वाला हूँ। और फटाफट जाके मैं उस बेसमेंट में छुप जाऊँगा जहाँ पर रेलवे की बेसमेंट होगी। और भाई मुझे जान बचानी है गाइस, पुलिस वालों से हटना है गाइस। देख रहा 5 स्टार की पुलिस लगी भाई, पहले तो 4 स्टार थी, अब गाइस 1 स्टार और इन्होंने हाई कर दी क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे पुलिस। ओ भाई ओ भाई ओ वो रही भाई रेलवे का बेसमेंट। ओ शट वो तो अच्छी बात है भाई, पलटी नहीं प्योर बुलेट प्रूफ गाइस, यहाँ से ऊपर लेना पड़ेगा यार। अरे यार ये यहाँ से ऊपर नहीं ले पाएगी क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऊपर लेना पड़ेगा इसको भाई यहाँ से। जान बचानी, ओ ट्रेन भी जा रही है। ओ भाई ट्रेन जा रही है भाई, भाई पहले ट्रेन को जान दो भाई, पहले ट्रेन को जान दो। जा भाई जा आराम से, जा आराम से जा भाई आराम से जा ट्रेन। यस तो गाइज मेरे को मिल गई है रेलवे का बेसमेंट, तो बेसमेंट बोल लो या गुफा बोल लो या कुछ भी बोल लो भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ गाइज, है ना। ये छोटा सा था यार लेकिन गाइज आगे एक और होना चाहिए बड़ा सा। यस यस गाइज आगे एक और है ट्रेन के साथ साथ जो गाइज मैं जा रहा हूँ। ओ भाई फंस गया मैं यहाँ पे। अरे भाई निकल जाइए यार यहाँ ना फंसी हो भाई, यहाँ तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो गाइज 5 स्टार की पुलिस है और हटने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है गाइज, क्योंकि मैं ओह कोई दिक्कत नहीं, स्क्रैच स्क्रैच कुछ नहीं आ सकता गाइस, क्योंकि ये प्योर बुलेट प्रूफ है भाई, मिलिट्री बेस वालों की टॉप सीक्रेट कार भाई। कार मत बोल देना ठीक है, मॉन्स्टर ट्रक बोलना इसको, तो कार फिलहाल मैं बोल सकता हूँ ओके। तो भाई बहुत ही डेंजर, तो गाइस मैं ट्रेन के साथ साथ जा रहा हूँ ठीक है। और भाई मैं ना गाइस यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता गाइस, क्योंकि आगे इतना ओपन हो रही है टनल और मुझे यहीं पर वेट करना चाहिए गाइस पुलिस के हटने का ठीक है। और भाई साहब गाइस देख रहे हो 5 स्टार से 2 स्टार रहेगी, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है गाइज। मैं थोड़ा सा और अंदर ही रहता हूँ अभी, मुझे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, पुलिस वाले को हटने दो ठीक है। 2 स्टार तो है, हट गए हट गए हट गए। यस यस तो गाइज़ ये प्लानिंग होती है तुम्हारे भाई की, और देख रहे हो पुलिस वालों से मैं तो हट चुका हूँ, मतलब पुलिस वाले मेरा पीछा छोड़ चुके हैं गाइज़। तुम्हारे भाई के पास अभी कार उसकी हो गई है तुम्हारे भाई की, और गाइज़ मैं सोच रहा हूँ ना इसको ना पहले मॉडिफाई भी मुझे करवाना पड़ेगा गाइज, और ना इसके GPS भी मुझे हटवाने पड़ेंगे यार, क्योंकि भाई इतनी इतनी महंगी गाड़ी है गाइज, इतना मतलब मॉन्स्टर ट्रक है, तो गाइज़ इस पर GPS पक्का लगा होगा और वो मेरे को अभी भी ट्रैक बाइक कर सकते हैं ठीक है। तो गाइज़ मैं फटाफट इसका पहले GPS हटवाऊंगा, और फिर GPS हटवाने के बाद गाइज़ मैं ना इसका ना वो क्या बोलते हैं मैं इसको ना मॉडिफाई भी जरूर करवाऊंगा गाइज, क्योंकि ना कोई अगर बंदा देखे तो ऐसा ना लगे भाई चोरी की है। तो गाइज़ मैं जाने वाला हूँ ट्रैवर के एयरपोर्ट पर, मैं फ़िलहाल इस कार को पार्क करने वाला हूँ वहीं पर। तो मैं लोकेशन मार्क कर देता हूँ कि ट्रैवर का एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, मैं कुछ ज़्यादा दूर आ चुका हूँ भाई। ये रहा गाइज, तो जो गाइज जो ट्रैवर ने लास्ट टाइम एक छोटा एयरपोर्ट परचेज़ किया था ना, हम ना उस पर चलते हैं ना, तो वो भी गाइज़ यहीं पर ही है। कहाँ पर है भाई? ये रहा। तो हम जाने वाले हैं इस पर ठीक है। लो गाइज मैंने लोकेशन मार्क कर दिया ट्रैवर के न्यू एयरपोर्ट का, और गाइज अभी तक ना वो लोकेशन किसी को भी नहीं मालूम, पुलिस वालों को भी नहीं मालूम कि वो ट्रैवर का है। तो गाइज़ मैं इस वाली कार को पार्क करने वाला हूँ वहीं पे गाइज, क्योंकि ये सेफ रहेगी वहाँ पे। और गाइज मैं उसका GPS में ना ट्रैवर के छोटे वाले एयरपोर्ट पर हटवा दूँगा किसी को बोल के, और गाइज इसको पूरा मॉडिफिकेशन मुझे करवाना है। तो गाइज़ आप मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो देखनी है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छे से हम इसको मॉडिफाई करवाने वाले भाई, बहुत ही डेंजरस। और गाइज़ अभी तो मैं आपको इसका पूरा वो दिखाने वाला हूँ क्लोज व्यू ठीक है। और गाइज देख रहे हो भाई कितनी भी ऊपर निकल जाए, ओ भाई साहब इसके जो व्हील है ना भाई रबड़ है, रबड़ भाई उड़ते हैं ऐसा लगता है ना। तो गाइज हम उसके एयरपोर्ट बस पहुँचने वाले हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। ओ भाई साहब तो गाइज ये बेसमेंट कैसा है यार, तेरी कितने सारे भाई ट्रेलर जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो गाइज हम भाई बहुत दिनों से मैं सोच रहा था गाइज मुझे कोई ऐसी कार की जरूरत थी जो पूरी प्योर बुलेट प्रूफ और गाइज बिल्कुल यूनिक हो, और भाई ये तो भाई किसी का पास नहीं होगी अभी तक यार। अरे हट जाओ भाई हट जाओ। ओ भाई ओ शेट गाइज मुझे यहाँ से मुड़ना था यार। अरे यू टर्न नहीं लेना भाई, यू टर्न बिल्कुल नहीं लूँगा मैं अब,
यो तो गाइस वीडियो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तुम्हारे भाई ने यहाँ से मोड़ लिया। यस 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 गाइस, हम आ चुके हैं ट्रेवर के न्यू एयरपोर्ट पे, जो कि इसने अभी अभी परचेस किया। गाइस आपने उसकी वीडियो देखी होगी भाई, बहुत अच्छा है, छोटा सा है गाइस, वरना बहुत ही खाली जगह पे गाइस, जहाँ पे खेत हुए थे पूरा। तो यहाँ पे भाई हम सेफ सेफ रहेगी हमारी वाली कार। और ड्राइविंग में क्या कर रहा हूँ यार ये गाइस, ये रहा एयरपोर्ट। तो यहाँ से हम मोड़ लेते अंदर। ये ओ भाई 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 आराम से भाई अंदर ले ले, अंदर ले ले, अपने ही अपने ड्राइवर भाई का है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो गाइज मैं अपना फटाफट वेयर हाउस में करने वाला हूँ खड़ी। लेकिन गाइज उससे पहले मैंने आपको बोला था इसका मैं दिखाने वाला हूँ क्लोज़ व्यू। तो फटाफट गाइज मैं कार से उतरने वाला हूँ, ठीक है, कार से मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ इसका क्लोज़ व्यू। गाइज सबसे पहले तो इसका देखो भाई, क्या कलर है यार, देख रहे हो, ऐसा कलर देखा आपने कभी? ओ भाई मिलिट्री बेस वालों की कार थी भाई। भाई नॉर्मल कलर देखोगे ब्लैक वाला, भाई ये तो पता नहीं क्या, जैसे कि ना वो लगी हुई है, मिरर लगा हुआ है ना, अपना फेस देख सकते हो भाई, मैं नहीं देख रहा। लेकिन इसमें बहुत अजीब कार है भाई, देख रहे हो गाइज। और गाइज इसके व्हील सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, देख रहे हो व्हील, देखो भाई कितने बड़े कितने ऊंचे गाइज, एक नॉर्मल कार से ना बहुत बड़ी है। और भाई पूरी स्प्रिंग लगी हुई है व्हील के चारों व्हीलों में गाइज, इसलिए कुछ ज़्यादा ही जंप कर रही थी पूरी। भाई मस्त कार है बिल्कुल भी। और गाइज फटाफट मैं इसको ना करने वाला हूँ खड़ा वेयर हाउस के अंदर गाइज, चुपचाप गाइज, किसी को मालूम ना फिलहाल तो। और गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। गाइज ये वाली कार आपको कैसी लगी मेरे को नीचे बताना। और गाइज अगर इसको मॉडिफाई की वीडियो आपको चाहिए, अगर इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दिखा दूंगा भाई। और गाइज सोच तो रहा हूँ मैं इसके GPS भी हटवाना है, मॉडिफिकेशन भी करवाना है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।